नेक्स्ट हम आ रहे थे आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, अगर आप इस प्रोग्राम को डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो तो हो सकता है इस केस में इनिशियली जब इस लूप को इंटरप्रेट करो तो लूप के केस में बॉडी पार्ट किस प्लेस से स्टार्ट हुआ, जस्ट हेडर, क्लोज का होगा जस्ट आफ्टर फर्स्ट सेमी कोलन। इसके बाद अगर आप इंटरप्रेट करने के बाद अगर चेक करो तो इफ के व्हाइल लूप के अंदर फाउंड कितने स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, ओनली सिंगल स्टेटमेंट इनसाइड बॉडी ऑफ फाइल, प्लस इस केस में लूप के केसेस में ए में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, तो इस केस में डिस्प्ले क्या होना चाहिए, एवरी टाइम ए का वैल्यू क्या रहेगा, वन एज फिक्स्ड, वन लेस देन इक्वल्स टू टेन, एवरी टाइम कंडीशन का टेस्ट होगा वन लेस देन इक्वल्स टू टेन, एवरी टाइम डिस्प्ले होगा वैल्यू ऑफ ए। इस केस में अगर कॉन्सनट्रेट करोगे प्रॉपरली व्हाइल लूप के केस में कोई मिस्टेक नहीं हुई, व्हाइल देखा जाए तो कैसा है इस केस में इनफाइनाइट व्हाइल लूप, मीन्स कभी भी कंडीशन फॉल्स होने के चांसेस ही नहीं है, लेकिन इस केस में कंपाइल टाइम मिस्टेक है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोवाइड किया है आउटसाइड लूप और आउटसाइड स्विच स्टेटमेंट। ड्यूरिंग ब्रेक स्टेटमेंट मैंने डिस्कस किया था, ब्रेक स्टेटमेंट या तो लूप के बॉडी पार्ट में प्रोवाइड करना पॉसिबल है या फिर स्विच के बॉडी सेशन में प्रोवाइड करना पॉसिबल, मीन्स करेंटली इस ब्रेक स्टेटमेंट के लिए करेस्पॉन्डिंग ना ही कोई लूपिंग स्टेटमेंट फाउंड हो रहा ना ही कोई स्विच स्टेटमेंट फाउंड, देयरफॉर कंपाइल टाइम एरर्स इन दिस कोड। इस ब्रेक स्टेटमेंट आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच और आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप राइट करना पॉसिबल नहीं है।